महिंद्रा टाटा होंडा लॉन्च करने जा रही है इस साल बिल्कुल धाकड़ एसयूवी कार को। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी एसयूवी कार होगी जो आपको बेहद ही पसंद आए। आज हम कवर किए हैं पूरे 5-6 गाड़ियों को जो कि इंडियन मार्केट के अंदर 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर आपको बेहतरीन फीचर्स के साथ साथ डिजाइन वाइज में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे 3D एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो गाड़ी के अंदर 4 चांद लगाने का काम करेगा, और अगर गाड़ी के अंदर आप बैठते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने का काम करेगी। सबसे पहली नंबर पे जो गाड़ी आती है वो गाड़ी है कि XUV 300 फेसलिफ्ट वर्जन। दोस्तों XUV 300 को सेम उसी लुक से काफी टाइम से देखा जा रहा है, लेकिन दोस्तों महिंद्रा मोटर्स अपनी XUV 300 पे काम कर रही है और टेस्टिंग के दौरान भी इस कार को इंडियन सड़कों पे देखा जा चुका है, जिसमें इसके स्पॉयलर्स और टेल लाइट, जिसमें इसके हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स की हाउसिंग बिल्कुल नई नजर आ रही थी। इस गाड़ी को जब देखा गया तो ये थोड़ी सी डायमेंशंस में थोड़ी ऊंची भी नजर आ रही थी, और बताया ये भी जा रहा है कि महिंद्रा मोटर्स 2024-2025 के दौरान अपनी कई सारी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, जिसमें कुछ ईवी कार भी शामिल रहने वाला है, लेकिन उनमें से XUV 300 और महिंद्रा थार भी शामिल रहने वाला है। इन दोनों कारों का इंतजार काफी ज्यादा लंबे टाइम से किया जा रहा है, तो पहले महिंद्रा अपनी महिंद्रा थार 5-डोर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और उसके 1-2 महीने के बाद ही अपनी XUV 300 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। तो XUV 300 SUV फेसलिफ्ट कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने में थोड़ा डिले हो सकता है। और अब आती है दोस्तों नेक्स्ट कार की बात, वो है निसान आरिया। एक मिड साइज एसयूवी कार होने वाली है जिसमें आपको निसान मोटर्स इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ अब इंडियन मार्केट में एंट्री लेते हुए दिखाई देने वाली है, और इस कार की प्राइस तकरीबन 60 लाख रुपीज से स्टार्टिंग होकर 25 लाख रुपीज के करीब चली जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है और निसान मोटर्स अब अपनी इलेक्ट्रिक कारों को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जिससे ये मोटर्स रिस्पॉन्स कस्टमर को काफ़ी अच्छा देने वाली है। और इस मिड साइज एसयूवी कार आरिया के अंदर आपको 65 kWh का एक बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, जिसके साथ डुअल मोटर्स का सेटअप रखा गया है, और ये बैटरी बैकअप आपको 360 किलोमीटर के करीब रेंज निकाल कर दे देगी। कार का लुक काफी ज्यादा अग्रेसिव और स्टाइलिश रखा गया है, और इस कार के एक्सटीरियर लुक से काफी बढ़िया इंटीरियर लुक रहने वाला है। कार के डिजाइन को काफी ज्यादा अग्रेसिव बनाया गया है इंटीरियर से, क्योंकि कार के अंदर कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो गाड़ी के अंदर 4 चांद लगाने का काम करता है और कार को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। कार के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और कार में लार्ज पैरोमिक सनरूफ का भी ऑप्शन रखा गया है, जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार के अंदर अभी तक आप देखते आ रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कार में आपको एडास फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होने वाला है, और साथ ही साथ आपको गाड़ी के अंदर 360° कैमरा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस कार को 2024 के सेकेंड क्वार्टर में ही लॉन्च किया जा सकता है, जो कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपको देखने को मिल जाएगी। अब आती है नेक्स्ट कार की बात, तो वो है किया कैरेंस। दोस्तों अभी रिसेंटली किया ने अपनी सोनेट और सेल्टोस को फेसलिफ्ट वर्जन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। अब बारी आती है किया कैरेंस की। इससे 7-सीटर कार के अंदर आपको काफ़ी कुछ चेंजेस नज़र आने वाले हैं, जैसे कि इसके हेडलैम्प्स, टेल लाइट और फॉग लाइट की सीटिंग और बॉडी लुक को और ज़्यादा अग्रेसिव बनाया जाएगा, और कार के अंदर अब 360° कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस कार की प्राइस रहने वाली है अब 12.60 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है इन एक्सोरूम दिल्ली, जो कि 25 लाख रुपीज़ के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और वो आपको इंटीरियर में देखने को मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और सेफ्टी में इसे और ज़्यादा थोड़ा पावरफुल बनाया जा सकता है। वहीं दोस्तों अब आती है नेक्स्ट कार की बात, वो है टाटा नेक्सॉन ICNG। नेक्सॉन का ICNG मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार है, जिसको कि भारत मोबिलिटी के अंदर रिवील किया गया था, जिसमें सबसे मजेदार वाली बात ये है कि कार के अंदर CNG किट होने के बावजूद भी आपको बूट स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके CNG कार होने के बावजूद भी आपको बूट स्पेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी टर्बोचार्ज ICNG कार होगी जिसमें आपको डुअल सिलेंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ये डुअल सिलेंडर 30 लीटर का होने वाला है, और आपको इस कार के अंदर एक ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि रहने वाला है 5-सीट की मैनुअल ट्रांसमिशन। और इस कार को जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकेगा, और जैसे ही लॉन्च होगी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। उसके लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आती है नेक्स्ट कार की बात, तो वो है टोयोटा रेज। इस छोटी कार को इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिसका मुकाबला मारुति सुजुकी फ्रॉन्क से होगा। लेकिन जैसे ही टोयोटा इस रेज कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है, इस कार का नाम कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि इस कार
का नाम बदलकर कुछ और भी रखा जा सकता है। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस कार को इंडियन मार्केट में टोयोटा रेस के नाम से जाना जा रहा है। इस कार के अंदर आपको वही फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर दिया जाता है, लेकिन कार के लुक्स और डिजाइन को टोटली चेंज रखा जाएगा। लेकिन कार के डायमेंशंस आपको एक ही साइज के नजर आने वाले हैं। इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का नेचुरल स्पेटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाने वाला है, जो कि आपको 88 PS के करीब पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रॉन्क्स के जैसा CNG किट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी के अंदर पूरे दो इंजन का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा इंजन रहने वाला है 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, और ये इंजन 98 BHP के करीब पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब आपको मारुति सुजुकी वाला ही इंजन देखने को मिलेगा, लेकिन CNG किट का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं किया गया है। अब आती है नेक्स्ट कार की बात, तो वो कार है होंडा की एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV कार, जिसको कि एक बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। और अब होंडा मोटर्स भी लॉन्च करने जा रही है अपनी एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV कार को, जो कि सीधा टक्कर देने वाली है महिंद्रा XUV 300 को, टाटा नेक्सोन को, मारुति सुजुकी ब्रेजा को कड़ी टक्कर देने वाली है, जिसमें फीचर्स डिजाइन के मामले में ये गाड़ी बिल्कुल अलग होने वाली है। लेकिन जब आप चील की निगाहों से देखोगे तो ये थोड़ा आपको होंडा एमएज की याद दिलाने वाली है। पर वैसे भी कार को होंडा एमएज के ही प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि सेगमेंट के अंदर इस कार को नया बनाने के लिए कार में एडास फीचर्स भी रखा जाएगा, जिसमें ये गाड़ी अपने सेगमेंट में यानी 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV के अंदर होंडा मोटर्स की कार होने वाली है एडास फीचर्स के साथ। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के पावर यानी इंजन को लेकर। कार में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, और ये इंजन 100 BHP के करीब पावर दे देगी। कार को 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 6 स्पीड की CVT गियर बॉक्स के साथ रखा जाएगा, जो सेगमेंट में कार को थोड़ा अलग बनाता है। और कार के इंटीरियर में प्रीमियम डैशबोर्ड के साथ आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले से लैस होगा। और कार में बेंटलेड सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कार की प्राइस 8.65 लाख रुपीज के से स्टार्टिंग हो सकती है इन एक्सोरूम दिल्ली, जो कि 40.70 लाख रुपीज के करीब चली जाएगी। और इस कार को भी 2024 के फेस्टिवल सीजन में ही लॉन्च किया जा सकेगा। और हो सकता है ये गाड़ी आपकी फेवरेट कार बन सकती है, क्योंकि ये माइलेज अच्छा खासा आपको निकाल कर दे देगी, और हो सकता है ये गाड़ी आपकी फेवरेट कार भी बन जाए। अब आती है नेक्स्ट कार की, टोयोटा की CHR टोयोटा की एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV कार है, जिसको बेहद ही कम कीमत में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकेगा। और तकरीबन 8 लाख रुपए के समथिंग प्राइस में इस कार को एक शोरूम रखा जा सकता है। लेकिन कार का लुक्स और डिजाइन जो रखा जाएगा वो काफी बढ़िया और गुड लुकिंग रखा जाने वाला है। दिखने में कार स्पोर्टी और स्टाइलिश लगती है, जिससे ये कार आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने का काम करेगी। साथ में कार के फ्रंट में LED का सेटअप रखा गया, जैसे कि LED DRS, LED हेडलैम्प्स, LED फॉग लाइट, और रियर में भी LED टेल लाइट्स को रखा गया जाएगा। कार के अंदर 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को रखा गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन कार के इंटीरियर में आप 5 लोगों को आराम से बैठा सकते हैं, जिसमें एंजॉय के लिए 5 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम रखा गया है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर 7 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले को भी रखा गया है, और इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सेफ्टी की बात आती है तो सबसे पहले एयरबैग का ऑप्शन निकल कर आता है। इस गाड़ी के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर ABS के साथ EVD को भी रखा गया है। लेन कीपिंग असिस्टेंट जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स सेफ्टी में आपके लिए अवेलेबल है। और इस कार को इंडियन मार्केट में 2024 के नेक्स्ट मंथ में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी कार ऐसे लॉन्च होती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने तरफ से लाइक जरूर करना।